जी हाँ दोस्तों, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्री डिश डीडीएस सिस्टम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी अपडेट है दोस्तों, वो काफ़ी लोगों की यही डिमांड होती है कि जो हमारा वतन एचडी है और जी से मैच भी वो चल रहे हैं दोस्तों, चाइना सेट का है जो 87 डिग्री है, 87.5 ईस्ट, जिसको 88 डिग्री भी बोल देते हैं दोस्तों। वो आसानी से मतलब सेम डिग्री होती है दोस्तों, कोई भी सैटेलाइट में से ट्रैक कर लो तो दोनों सैटेलाइट ट्रैक हो जाते हैं। तो सेम जैसे 52 डिग्री है, 53 डिग्री है, नहीं, नाम चलता है 52 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे ही ये सैटेलाइट है चाइना सेट को दोस्तों, जो ट्रैक करोगे तो आपको वीडियो कॉल के भी सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक बात ये दोस्तों, जो 88 बोल दो या 87 बोल दो, ठीक है, तो उनमें कुछ स्पोर्ट्स के चैनल चलते हैं जो लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं, इसलिए ये सैटेलाइट काफ़ी फेमस हो चुका है। तो आज की मैं दोस्तों, मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से फ्रेंड है और इस चैनल से जुड़े हुए सदस्य हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, सर कन्हम भी हमारे ये शहर में, हमारे शहर में ये चलता है। एक हमारे दोस्त है नावेद भाई, वो कर्नाटका से हैं, तो उनका भी ये मैसेज होता है जब भी मैं कोई सैटेलाइट ट्रैक करता हूँ तो उनका ये कमेंट तो एक लाजमी होता है, भाई भाई हमारी हमारे शहर कर्नाटका में ये सैटेलाइट ट्रैक होगा क्या। तो दोस्तों, एक और मेरे कई कई मित्र हैं जो हमसे भी एक सवाल पूछते हैं। आज एक किरण भाई ने पूछा नाम, तो उन्होंने पूछा भी सर आपकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं हर तरह के सैटेलाइट ट्रैक करता हूँ दोस्तों, मेरी जो लोकेशन है वो काफ़ी लकी मेरी लोकेशन है, इसलिए मैं हर सैटेलाइट को ट्रैक कर पाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक और बात करने वाला था, कल से मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, कल से एक ज्वाइनिंग बटन को इनेबल कर दूँ ताकि मेरे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए सदस्य हैं, ठीक है, तो वो जो बटन को भी ज्वाइन कीजिए और एक और हमारे निजी परिवार में शामिल हो जाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँगा तो वो आप सबसे पहले आप देख सकें, ठीक है। इसके अलावा मेरा सुपर थैंक्स बटन भी इनेबल है दोस्तों, आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ, एक और बात सोच रहा हूँ दोस्तों, जब भी मेरी इस चैनल से कोई कमाई होगी दोस्तों, वो महीने दर महीने, हर महीने मैं लाइव स्ट्रीम जुड़ूंगा दोस्तों। ये मैं पूरी मेरी सोच रखा हूँ मैं क्या क्या मुझे करना है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। जब अगर आप तक मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये दोस्तों, मैं सोच रहा था दोस्तों कि भी हर महीने लाइव जुड़ूंगा आपके सामने, और सभी जो मेरे दो मित्रगण हैं जो लाइव मेरे साथ रोज जुड़ते हैं, ठीक है, लाइव तो जुड़ते हैं दोस्तों, तो हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो ऐसे रोज आने वाले मेरे प्यारे प्यारे सदस्य हैं, तो उनको इनके उनके में नाम की पर्ची दोस्तों लाइव आकर, ठीक है, सभी के नाम की पर्ची में एक कप में रख के दोस्तों, उसमें उसको शेक करके दोस्तों, जो भी पर्ची निकलेगी आपके सामने लाइव होगी, जो भी पर्ची जिस नाम की निकलेगी, उस पर्ची वाले जिसका भी नाम आएगा दोस्तों, उसको मेरी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो ये गिफ्ट जब मिलेगा दोस्तों, तो उसके लिए भी मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप मुझे जब तक तो सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये सब कुछ होगा नहीं। तो मेरी उम्मीदें कुछ बड़ी हैं दोस्तों, ठीक है, मेरी भी आशाएं कुछ बड़ी हैं ताकि मैं भी आपको कुछ दे सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि मैं इस लायक हो जाऊं, ठीक है, भी आपको मैं कोई ना कोई गिफ्ट दे पाऊं। पहले मैं करता था दोस्तों, उसके बाद तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा खो लिया गया, तो मुझसे तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा था, अगर ये कमाई मेरे से आती है यूट्यूब से किस तरफ से आती है, तो मैं लाइव आके दोस्तों, ठीक है, पर्ची हर एक जो मेरे डेली आने वाले मेरे सदस्य हैं जो डेली आते हैं, उनके नाम की पर्ची मैं उसमें कप में रखे उसको शेक करके, और एक पर्ची निकाल कर दोस्तों उसका नाम आपके सामने मेंशन करूंगा, और उस भाई को मैं कहूंगा भाई अपना एड्रेस वगैरह मुझे दे दे, ताकि मैं उनको कोई ना कोई उनके जो नाम का जो गिफ्ट है मैं उनको दे सकूं, ठीक है। तो ये सब इसलिए होगा जब हम आप मुझे सपोर्ट करोगे दोस्तों, ठीक है, सपोर्ट करने से ये सब होगा दोस्तों। हमारी आशाएं, हमारे जो विचार है दोस्तों, हम जो सोचते हैं, उम्मीदें हैं, तो इसलिए होती है कि हमको भी कुछ सपोर्ट करने वाला हो मिले दोस्तों, ठीक है, अकेले बंदे की बस की बात नहीं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको हर महीने जो लाइव जुड़ूंगा दोस्तों, तो यही प्रसंग कराऊंगा जो डेली आने वाले मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनके नाम की पर्ची आपके सामने बिल्कुल लाइव, ठीक है, बिल्कुल लाइव आपके नाम के, सबका आपका नाम मैं भी बताऊंगा, मेंशन करूंगा भाई ये इस नाम की पर्ची है, सभी नाम आपके सामने दिलाऊंगा कि ये डेली आने वाले हैं, तो उनकी पर्ची मैं आपको एक कप में डाल के उनको शेक करूंगा, और में से एक कोई पर्ची उठाऊंगा और उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, तो ये एक छोटी सी दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये प्लीज इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, इसको जरूर इसको एक बार सोचिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो आज मेरा टॉपिक था,
भी जो हमारा 87 डिग्री है, 5 डिग्री, उसको कैसे, कौन कौन से शहरों में कितने फीट डिस्टेंस को ट्रैक होगा, इसकी मैं जानकारी आज देने वाला हूँ। तो ये देखिए, पहले की तरह मैंने होमवर्क किया हुआ है। आपको तो ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं पहला नाम आपको बताना चाहूँगा, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, ठीक है। श्रीनगर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, अमृतसर। दो यहाँ पर आपको 2 फीट डिश अगर कम भी है तब भी ट्रैक हो जाएगा इन 3-4 शहरों में, ठीक है। और इसके अलावा लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, जलंधर है, मोगा है, जगराओं, श्री मुक्तसर साहब, ठीक है, बरनाला, लुधियाना, अबोहर, खन्ना और आनंदपुर साहब, और चंडीगढ़, बठिंडा, ठीक है, अम्बाला, पटियाला, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, ठीक है, कुरुक्षेत्र और कटियाल में ये 2 फीट डिश पर आराम से क्रैक हो जाएगा। जिनके मैं ये नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये 2 फीट पर आते हैं सभी, ठीक है। और मैं आपको और खुशी की बात ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, थोड़ी सी ठंड अभी हवा में घुलने लग गई है। तो आपको जिन भाइयों के, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 फीट के में ट्रैक हो रहा है, तो 2 फीट की कम में डिश में वो ट्रैक हो जाएगा। अगर मैं 2.5 बोल रहा हूँ तो 2 में भी हो जाएगा। अगर मैं 3 बोल रहा हूँ तो वो 2.5 पौने 3 में भी हो जाएगा, क्योंकि जितनी ठंड बढ़ेगी आपको सिग्नल उतना ही मिलता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा शहरों का नाम ले रहा हूँ, देहरादून, यमुनानगर, ठीक है, सहारनपुर, हरिद्वार, करनाल और रुड़की, पानीपत, मुजफ्फरनगर, ठीक है, हरियाणा, सिरसा एक ही है, ठीक है, और रोहतक, और चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और गुजरात का कुछ हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर आपको 65 सेंटीमीटर डिश की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मैंने 65 का बोल दिया, लेकिन अब थोड़ा सा सर्दियाँ आ रही हैं दोस्तों, ये 65 से 60 एक फिट डिश पर आ जाएगी, 2 फिट डिश पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है। भले ही सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा हो, लेकिन ट्राई करोगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, सिग्नल आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो दूसरे शहर के नाम भी देख लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड, मेरठ, बिजनौर, न्यू दिल्ली, रावेरी, अजमेर, जोधपुर, ये बरना, यहाँ पर आपको 70 सेंटीमीटर डिश पर इस सैटेलाइट को ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ये 70 से 60 भी होता है, मतलब 2 फीट पर भी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। जितनी सर्दी बढ़ जाएगी तो एक बार ट्रैक कर लेना, ठीक है। तो एक बार कई एक डिश तो आपकी प्रॉपर सेट होगी, लेकिन एक डिश फालतू लेकर रख लेना। ये सैटेलाइट जब सर्दियों में ट्रैक होते हैं, गर्मियों में कई बार नहीं होते, इसलिए एक बार इस सैटेलाइट को ट्रैक करके पक्का ही परमानेंट रख लेना, अगर कोई फालतू डिश रखना चाहता है तो, ठीक है। तो ये अगले शहर का नाम सुन लीजिए, एक उत्तराखंड का भी आधा हिस्सा आता है, ठीक है, 25% उत्तराखंड का भी एक हिस्सा आता है, जिसमें हम अलीगढ़, ठीक है, इनके नाम भी देख लीजिए, अलीगढ़ और भरतपुर, भुज और उत्तराखंड का कुछ परसेंट हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 75 मतलब 75 सेंटीमीटर डिश की आवश्यकता पड़ेगी। 70 भी हो जाएगा, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, ये 70 भी आ जाएगा, 65 भी आ जाएगा और 60 सेंटीमीटर भी जाएगा, मतलब 2 फीट पर धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और मैं शहरों के नाम लेना चाहूँगा, वो शहर है हमारे, ठीक है, बरेली, आगरा, गंगापुर, ठीक है, और भीवाड़ा, उदयपुर, राजकोट, ठीक है। इन शहरों में इसको सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए आपको 80 सेंटीमीटर डिश की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इनमें भी वही काम करेगा, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी तो ये कम आपको डिश पर भी सिग्नल देना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी सैटेलाइट आपके यहाँ पर जिसका कवरेज भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो भी आपके यहाँ पर शहर पर ट्रैक होने लग जाएगा। उदाहरण तो मेरा ही है दोस्तों, पंजाब में 80 डिग्री ट्रैक नहीं होता, लेकिन ये सर्दियों में ट्रैक हो जाता है, गर्मियों में नहीं होता। तो यही हाल आपका भी, अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट आपके शहर में कोई ट्रैक जिसका सिग्नल नहीं आता, कवर मैप भी नहीं आ रहा, तो आप सर्दियों में इन सैटेलाइट को ट्रैक कर पाएंगे। और बाकी मैं आपको इस 87 डिग्री का भी कवरेज मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक, ताकि आपको अंदाजा हो जाए भाई कौन कौन से शहरों में ये सैटेलाइट ट्रैक हो पाता है। जो डार्क एरिया दिख रहा है आपको, तो इस डार्क एरिया में जितना जितना ज़्यादा डार्क होगा, उतना ही छोटी से छोटी डिश पर ये ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। जितना ये इसका जो कलर है कम होता जाएगा, फीका होता जाएगा, तो उतनी बड़ी डिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आपको अपडेट कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।